नमस्कार। लैट्रिन कड़ा होता है, एक बार में लैट्रिन साफ नहीं होता और दो से तीन बार जाना पड़ता है और लैट्रिन सीट पर चिपकती है, मल साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा कड़ा होता है और कभी दो तीन बार चार बार जाना पड़ता है और बार बार जाने की इच्छा होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है और इसे समझते हैं आज और दवाइयों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि लैट्रिन साफ नहीं होता, दो तीन बार जाना पड़ता है, कब्जियत होती है, एक बार में क्लियर नहीं होता, मोशन चिपकता है, हार्ड लैट्रिन हो जाती है, इसके कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कि क्या तरीके हो सकते हैं इस चीज को सुधारने की। देखिए, ये एक तरह की आदत बन जाती है कि बहुत समय तक हमारे को लैट्रिन में समस्या आती रहती है और ये आदत भी बनी इसी आदत की वजह से। या तो हम बहुत देर तक रात में जागते हैं, ये पहला पॉइंट है कि हम बहुत देर तक रात में जागते हैं और हम पानी नहीं पीते। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पेट में पानी की कमी हो जाती है और इस पानी की कमी की वजह से ही समस्या बढ़ती है, मतलब ये है डिहाइड्रेशन की कंडीशन। तीसरी बात यह है कि हो सकता है आपको किसी तरह की बीमारी डेवलप हो रही होगी जो आपकी आंतों से संबंधित है। और चौथी बात, हो सकता है आपकी आंतों का मूवमेंट कम हो रहा है जिसकी वजह से कब्जियत या इस तरह की कंडीशन आ रही है। और पांचवी बात, आपके खाने में फाइबर्स की कमी है जिसकी वजह से लैट्रिन चिपचिपा हो रहा है। और आखिरी और अंतिम बात, छठवीं बात, आपके खाने में चिकनाई युक्त खाना बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि चीज, जैसे कि जैम, जैसे कि सॉसेस, जैसे कि जेली, जैसे कि डिब्बाबंद चटनियां और जैसे कि मैदे वाली चीजें। तो इन सभी कारणों की वजह से हमारी लैट्रिन साफ नहीं होती। क्या करें, बहुत छोटा सा वीडियो है, समझिएगा। आंसर मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने ये जो छह बातें बताई उसका आंसर हमें चाहिए और उसके बाद ट्रीटमेंट। पहली बात, ज्यादा देर रात तक नहीं जागना है और रात में यदि जागना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है, तो पानी पीते रहें। दूसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन की आदत छोड़ दीजिए। अपने द्वारा खाई गई दवाइयों की आदत की वजह से आप लंबे समय तक दवाइयां खाते हैं और फिर एक आदत बना लेते हैं और ये आदत आपको दूसरी बीमारियों की तरफ लेकर जाती है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन की आदत छोड़ दीजिए। तीसरी बात, अपने खाने में हरी सब्जियां, सैलेड ज्यादा बढ़ा दीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को बहुत ज्यादा मत पकाइए, कम पकाइए और जितनी जरूरत है उतना ही पकाइए, बहुत ज्यादा मसाले मत डालिए, ताकि आप हरी सब्जी और सैलेड खाते रहें और हरा हरा खाते रहें, ताकि प्रॉपर नेचुरल मल्टीविटामिन्स आपको मिले और आपका खाना सही ढंग से पचे। अगली बात, पानी की मात्रा अपने खाने में बनाए रखिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन न फेस करना पड़े और आपकी आंतों में मूवमेंट ठीक हो। अगली बात, आप जिन दवाइयों को खा रहे हैं पहले उसके बारे में स्टडी कीजिए और अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए, क्या ये नींद की दवाइयां हैं। यदि नींद की दवाइयां हैं तो आपकी जो आंतों की मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। क्या ये कफ सिरप वगैरह ज्यादा पी रहे हैं आप खांसी के लिए या किसी और बीमारी के लिए या फेफड़े की किसी और समस्या के लिए, क्योंकि उसमें भी ब्रोंकोडायलेक्स और म्यूकोलाइटिक और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके कंटेंट होते हैं जो आपकी आंतों की मूवमेंट को कम करते हैं। क्या आपको पेन किलर्स खाने की आदत है, वो भी आपके लिए कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेंगे और नई बीमारियों को जन्म देंगे। क्या आपको बहुत सारी मेडिसिन खाने की आदत है, तो उन मेडिसिन खाने को या आपकी मजबूरी बन गई है तो किसी और बीमारी की वजह से, तो आपको उसे अपने डॉक्टर से करेक्ट करा के उसके लिए एक मेडिसिन या उसके लिए कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे आपको कब्जियत ना हो। हो सकता है आपको पाइल्स या बवासीर जैसी समस्या हो या आपकी लैट्रिन की जगह में फिसर हो गया हो जिसकी वजह से फीकल इन्फेक्शन हो रहा है। फीकल इन्फेक्शन मतलब हार्ड लैट्रिन होने की वजह से लैट्रिन रुक जाता है और पेन होने की वजह से, इचिंग होने की वजह से आपको लैट्रिन होती नहीं। हो सकता है आपको आंतों की कोई दूसरी समस्या हो जैसे डायवर्टिकुलाइटिस या इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो आपको उसे चेक कराना चाहिए। इन सभी वजहों की वजह से नई वजहें जनरेट होती हैं, इन सभी तकलीफों की वजह से नई समस्या जनरेट होती है। करना यह है, हरी सब्जी सलाद खूब मात्रा में खाएं, राइट टाइम पे सोएं और खूब पानी पीते रहें।
अच्छे से पीते रहें। खूब पानी का मतलब डूब मत जाना पानी में, जितनी जरूरत बॉडी को है उतना पानी दीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर। और कोशिश कीजिए कि आप अच्छी नींद लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी, योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, जुम्बा, डांस, जो भी आपको बनता है वो आप जरूर करेंगे। मैं कुछ दवाइयां बता रहा हूं, उन दवाइयों को आप अपने घर में रखिए फर्स्ट एड बॉक्स के रूप में और वो आपको काम आएंगी। पहली दवा है नक्सवामी का 200, दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में आप इसको कुछ दिन तक ले लीजिए, आपको आराम लगेगा। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 200 या लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में, दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में आप इसको ले लीजिए। आपको जो गैस बनता है, पेट फूलता है, लैट्रिन ठीक से नहीं होता, वो ठीक होने लग जाएगा यदि लीवर की वजह से कोई कारण हो रहा हो तो। ये दो दवाइयां बहुत महत्वपूर्ण दवाइयां, इसके साथ में आप चाहें तो एक लीवर को स्ट्रांग करने के लिए एक सिरप ले सकते हैं। सिरप है जॉन्डिला सिरप, एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम, बट ये आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही लेना है और आपके टेस्ट भी कराने हैं लीवर प्रोफाइल के, कि आपका लीवर प्रोफाइल भी ठीक है या नहीं है या और कोई दूसरी समस्या जनरेट हो रही है। इन सभी दवाइयों के साथ एक बात याद रखिए, आपको अपने सिस्टम को सुधारना है। दवाइयां आपके सिस्टम को नहीं, आपकी तकलीफ को सुधारती है। सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। यदि आप खुद अपने सिस्टम के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं तो फिर समस्या बढ़ेगी। और यदि आप किसी चीज के आदी हैं, जैसे पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब या गुड़ाकू, तो फिर आपको इन चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए या आपको इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही आपकी समस्या के जन्मदाता है। और ये महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि हम इंसानों को सीधी बातें समझ में नहीं आती, हम इंसानों को सीधी बातें समझ में नहीं आती। इसका मतलब यह है कि हम खुद के दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। यदि हम पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुड़ाकू जैसी चीजों को लगातार सेवन करते रहेंगे तो दवाइयों के असर आप पे कम होंगे और आप बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे। पहले छोटी बीमारी और उसके बाद कैंसर तक की बड़ी बीमारियों तक हम पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, अपने लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को सुधारिए। आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या और ऋतुचर्या दो तरह के शब्द हैं। दिनचर्या मतलब दैनिक जीवन शैली जो आप जी रहे हैं, रोज कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सब होता है। और दूसरा ऋतुचर्या, आपके सीजनल वेरिएशंस, आप अलग अलग मौसम में किस तरह के फल खा रहे हैं, अलग अलग मौसम में आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ये दोनों बातों का ध्यान दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने में हर संभव आपकी बॉडी आपको मदद करेगी और आप सफल होंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद, जय भारत।